नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को लेकर हमेशा कंपैरिजन होता है, हमेशा चर्चा होता है, इन दोनों को लेकर विवाद भी होता है और इन दोनों के नाम पर भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा चर्चा भी होती है। इस कड़ी में पवन सिंह का एक गाना लाल घाघरा रिलीज हुआ है। लाल घाघरा जो गाना है वो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है और व्यूज भी काफी ज्यादा दमदार मिला है। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं कि क्या खेसारी लाल यादव के खींचे लकीर को पवन सिंह तोड़ पाए हैं। अगर तोड़ पाए भी हैं तो क्या क्या ऐसा रिकॉर्ड्स बना दिया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है, और क्या सच में खेसारी लाल यादव को पवन सिंह ने मात दिया है, इसकी पूरी जानकारी अब मैं आपको बताने वाला हूं। दरअसल बात करूं तो मैं कहूं तो लगभग 12 बजे मैं वीडियो बना रहा हूं। 12 बजे वीडियो बनाने के दौरान जो है 14 मिलियन इस गाने पर व्यूज मिले हैं। पवन सिंह के गाने लाल घाघरा पर 14 मिलियन व्यूज मिले हैं। ये गौर करने वाली बात है, आप ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअली मैं क्या बोल रहा हूं। 14 मिलियन व्यूज गेन करने के बाद एक दिन में, मतलब कि यूट्यूब टाइमिंग के अनुसार 48 घंटे में, फिर भी खेसारी लाल यादव के रिकॉर्ड्स को नहीं तोड़ पाए हैं पवन सिंह, ना ही खेसारी लाल यादव के रिकॉर्ड्स को उखाड़ पाए हैं पवन सिंह। अब जान लेते हैं कि आखिरकार मामला क्या है और मैं क्यों ये बातें कह रहा हूं। पवन सिंह के गाने पर 14 मिलियन से ज्यादा व्यूज जो है 48 घंटे में मिल गए हैं। यहां पर गौर करने वाली बात है कि 4,41,000 लाइक मिले हैं। ठीक है, गौर करने वाली बात है, 4,41,000 लाइक मिले हैं और 1,48,000 से ज्यादा कमेंट्स मिले हैं। ये बात हो गई पवन सिंह का, एक नंबर पर म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंड कर रहा है। अब ये तो जान गए आप, ये पवन सिंह के गाने का रिकॉर्ड है। अब मैं खेसारी लाल यादव के गाने की बात करता हूं। तो खेसारी लाल यादव का जो गाना था पानी पानी, उस गाने पर अगर मैं व्यूज की बात करता हूं एक दिन में, तो एक दिन में जो व्यूज मिले थे खेसारी लाल यादव के गाने पानी पानी पर, वह जो है 13 मिलियन से ज्यादा, यानी कि जो है 13 मिलियन से ज्यादा और 14 मिलियन में महज 40,000 व्यूज कम थे खेसारी लाल यादव के गाने में। ठीक है, तो खेसारी लाल यादव के गाने पवन सिंह जो है वो थोड़ा सा ज्यादा, मान लो कि 30-40 हज़ार व्यूज जो है वो ज्यादा आया हुआ है। ठीक है, इसकी बात मैं कर लेता हूं। लेकिन अगर इतना ही व्यूज अगर बराबर लगभग मिला हुआ है, पवन सिंह थोड़ा ज्यादा है, तो फिर लाइक्स का रेशियो 2 times ज्यादा जो है खेसारी लाल यादव का क्यों हो गया है। पवन सिंह के गाने पर महज 4,41,000 लाइक मिले हैं और खेसारी लाल यादव के गाने पर 7,62,000 लाइक मिले हैं। सोचिए, दो गुना लगभग जो है, दो गुना से थोड़ा सा कम खेसारी लाल यादव के गाने पर लाइक्स मिले हैं। आप अंदाजा लगा रहे हैं, इतना अगर लाइक का फासला है तो आप अंदाजा लगाइए कि पवन सिंह के गाने पर कितना जबरदस्त तरीके का तगड़ा एड लगाया गया है। हालांकि खेसारी लाल यादव के गाने पर लगाया गया था, लेकिन अगर लाइक्स कंपैरिजन की बात करता हूं तो यहां पर पवन सिंह पिछड़ जाते हैं। अब बात आती है कमेंट्स की, तो पवन सिंह के गाने पर 1,41,000 कमेंट्स मिले हैं, जबकि खेसारी लाल यादव के गाने पर 2,00,000 से जी ज्यादा जो है वो कमेंट्स मिले हुए थे। लेकिन खेसारी लाल यादव का ये रिकॉर्ड इतना तगड़ा है कि पवन सिंह ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी खेसारी लाल यादव के इस रिकॉर्ड्स को नहीं उखाड़ पाए हैं पवन सिंह। हालांकि व्यूज के मामले में थोड़ा सा आगे जरूर बढ़ गए हैं, और इसका भी मैंने तरीका बताया था कि किस तरीके से खेसारी लाल यादव के गाने में कम्युनिटी मारा जा रहा है, खेसारी लाल यादव के गाने में कमेंट किया जा रहा है, पिन किया जा रहा है, और इसके बावजूद भी जो है पवन सिंह का हाल जो है खेसारी लाल यादव से बुरा रहा। और अब जो है, अब देखिएगा कि अब एड जैसे ही खत्म होगा इस गाने का कितना बुरा हाल होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक अपडेट था, आपकी इस पर क्या राय है यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।